दुनिया भर के राजनेताओं के जुड़ी कई कहानियां सामने आती रही हैं। आज हम आपको उस देश के राष्ट्रपति की अहम बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में चर्चित उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम दिन भर शराब के नशे में रहते हैं। किम इतनी पी लेते हैं कि होश की दीवार तक गिरा देते हैं। बात तो ये तक सामने आई है कि किम का बार 2400 घंटे चला करता है। किम की हालत ये हो गई है कि हाथों में आते आते जाम का प्याला तक फिसल जाता है। तानाशाह किम जोंग इन दिनों गंभीर बीमारी और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। किम जोंग का वजन भी तेजी से बढ़ रहा है। वो लगातार स्मोक भी कर रहे हैं। अब उनको लेकर स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर समस्याओं से पीड़ित होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं और जीवन के संकट से जूझ रहे हैं। बताया गया कि किम शराब के नशे में दिन भर चीख चीख कर रोते हैं। सियोल स्थित उत्तर कोरिया के एकेडमिक डॉक्टर चोई जिनवो का कहना है कि किम जोंग उन 40 साल के करीब होने को हैं। अब वो अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं कर रहे हैं। उन सभी का सामना भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत पीने लगे हैं और उसके बाद रोते रहते हैं। वो अपने को बहुत ही अकेला और दबाव में महसूस करते हैं। उत्तर कोरियाई तानाशाह को उसके डॉक्टरों और पत्नी ने शराब नहीं पीने की सलाह दी और एक्सरसाइज करने को कहा है, लेकिन किम उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं और वाइन पीकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि विदेश यात्राओं के दौरान किम जोंग अपना टॉयलेट अपने साथ लेकर चलते हैं। बताया गया कि तानाशाह किम जोंग को डर है कि कहीं उसके विरोधी जासूस उसकी बीमारी का पता न लगा लें। किम के पिता किम जोंग इल की 2011 में 69 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। किम की हेल्थ पर हो रहे असर को उनके पिता से जोड़कर देखा जा रहा है। किम के पिता को भी सिगार, शराब और स्वादिष्ट व्यंजन पसंद थे। उत्तर कोरिया के विशेषज्ञ के मुताबिक बहुत कम उम्र से ही किम को एक राजकुमार की तरह पाला है, जैसे कि ब्रिटिश शाही परिवार में भी नहीं होता।